स्वर सुमन के प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए बहुत ही नया और प्यारा सा प्रोग्राम ला रहे हैं, जिससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा और जिससे आप परमेश्वर की महिमा को जानने पाओगे। आइए हम आपको एक पासवान से मुलाकात कराएंगे, जो अपनी गवाही देंगे, और हमें विश्वास है ये गवाही आप सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण पहुंच होगी। आइए हम मिलते हैं हमारे पास्टर, पास्टर मेलविन फर्नांडिस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरा नाम जो है पास्टर मेलविन फर्नांडिस है, और मैं मुंबई में ILC मलाड में परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और इसके अलावा और दो कलीसियाँ हमारी मुंबई में हैं, और मैं मुंबई में अपने वाइफ, दो बच्चों के साथ और मेरी बहन के साथ मैं मुंबई में रहता हूँ। परमेश्वर ने अब तक इस 12 साल में परमेश्वर की फुल टाइम सेवकाई में मेरी सहायता मदद की, इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। सो पास्टर साहब, हमें पता चला था कि कुछ समय पहले आपको कोविड हो गया था, तो आप बताएंगे कि जब आपको कोविड हुआ तो आपके मन में क्या बातें आई? इसी साल में 2021 में अप्रैल के 11 तारीख को मेरे पिताजी, जो 77 ईयर्स के थे, 77 साल के, परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। और जब मेरे पिताजी का फ्यूनरल हुआ, उसके बाद एक हफ्ते के बाद मेरी वाइफ जो है वो कोविड पॉजिटिव हुई। और हम किसी को पता नहीं था, हम सभी लोग साथ में रहते थे। उसके साथ साथ मुझे भी कोविड हुआ, मेरे सिस्टर का टेस्ट किया गया, उनका भी पॉजिटिव आया। और कुछ दिन तक मेरी वाइफ जो है वो घर पर थी, और जो भी मेडिसिंस थे हम सभी उसको दे रहे थे, लेकिन उनकी हालत जो है और ख़राब होती गई। और 22 तारीख के रात को करीबन 11:30-12 बजे मैं उनको हॉस्पिटल में लेकर गया, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और ऐसा हुआ कि जब मैं उनको हॉस्पिटल में लेकर गया, कोई बेड वहाँ पर नहीं था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। और कुछ समय के बाद एक असिस्टेंट डॉक्टर आया और उन्होंने कहा कि पहले आपको जाकर कोविड टेस्ट करना है। और रात को करीबन 12 बजे मैं उनको लेकर गया। उनको बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था, फीवर था, कॉफ था, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, वो बैठ नहीं पा रही थी। और जब हम लोग टेस्ट कर जब हॉस्पिटल में आए, परमेश्वर के अनुग्रह से उस हॉस्पिटल में एक ही बेड था जो उनको उनके लिए अवेलेबल था, उनको वो बेड मिला। उनको हमने रात के समय एडमिट किया, सारे ट्रीटमेंट चालू हो गए, लेकिन दूसरे दिन सुबह पता चला कि उनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। और ऐसा हुआ कि उनका ऑक्सीजन लेवल 78-80 इतना घट चुका था, उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया था, और 2-3 दिन कंटिन्यूस वो ऑक्सीजन पर थी, और सारे इंजेक्शंस का भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। और जैसे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर से हम जाकर पूछ रहे थे कि डॉक्टर कैसे है उनकी हालत, तो डॉक्टर यही कह रहा था कि आप लोग प्रेयर वाले हो, आप लोग प्रार्थना करो। एक पास्टर होने के नाते मैं सभी लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं, हमारे भी जीवन में कठिनाई आती है, मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है। पूरे विश्व भर में जब कोविड चल रहा था, विदेशों में हमें खबर मिल रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि ये विपत्ति हमारे भी जीवन में आ चुकी थी। और हम सभी लोग जो है दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सारी कलीसियाओं के लोग घुटने टेक कर, उपास रख कर प्रार्थना कर रहे थे। 3 दिन के बाद जो है मेरे वाइफ का तबीयत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, और धीरे धीरे जो है उनका हेल्थ इम्प्रूव होने लगा। और जैसे उन्हें कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ, उसी समय मेरा बच्चा जो है 10 महीने का था, और मेरी बेटी 7 साल की, और उन बच्चों को कहाँ रखना है और कौन उन्हें संभालेगा, क्योंकि उसी महीने में हमने 11 तारीख को हमारे पिताजी को खोया था। तो हमारे जीवन में चारों तरफ मुश्किलें, परेशानी, तकलीफें थी। सिस्टर बीमार थी, उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, ये सब वातावरण ऐसा था। और जब मुझे भी कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ, मैं भी बेड पे लेटा हुआ सोच रहा था कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों, मैं तो तेरी सेवा करता हूँ, मैं तो लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आयुब कहता है
उसके तीसरे अध्याय उसके 25 वचन में कि जिस बात का मुझे डर था वही बात मुझ पर आ पड़ी। हाँ मेरे प्रियो, आयुब के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन में उसके 10 बच्चे चले गए, धन संपत्ति सब कुछ तबाह हो गया, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक फोड़ों से वो भर गया। बाइबल में जितने भी परमेश्वर के प्रिय दास थे, चाहे वो पौलुस हो, पत्रस हो, स्तिफनुस हो, यूसुफ हो, जितने भी परमेश्वर के सेवक थे, सभी लोग दुख और क्लेश से गुजरे हैं। और पॉल प्रेरित के काम 14 अध्याय के 22 वचन में कहता है कि बड़े क्लेश के साथ बड़े दुख को उठाते हुए हमको प्रभु के राज में प्रवेश करना है। और जब मैं इन सब बातों से मैं गुजर रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, और छोटा बच्चा था 10 महीने का, प्रश्न यही उठता था कि कौन उनको संभालेगा, क्या वो बिना माँ के रह पाएगा। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परिवार के लिए, जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, जो मेरे जीजाजी है, वो मेरे साला भी है, और मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ की सिस्टर जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ, इन सब के साथ मेरा बच्चा जो है 1.5 महीने तक रहा। और प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ, प्रभु की इतनी बड़ी दया हुई कि प्रभु ने 1.5 महीने तक माँ के बिना बच्चे को संभाला और उसे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। मेरी बेटी भी वहाँ पर थी, हम लोग आमने सामने रहते थे 1.5 महीना अंबरनाथ में, और प्रभु ने 1.5 महीने के अंदर जो है हमें पूरी तरह से रिकवर किया, हमको पूरी तरह से उस समस्या से बाहर निकाला। मेरे सिस्टर को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और कहीं समय से वो चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु की बड़ी दया के अनुसार, प्रभु के बड़े अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने मेरे बहन को भी चंगाई दी। और आज जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, जितने भी लोग आज मेरी गवाही सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को एनकरेज करना चाहूँगा, सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। उसने वायदा किया है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज आपकी जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु आपको जरूर सफलता देगा। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सभी को आशीष दे, आमेन। बहुत सुंदर गवाही है पास्टर साहब, और हम विश्वास करते हैं हमारे जो श्रोता हैं वो इस गवाही को सुनेंगे और अपने जीवन में प्रोत्साहित होंगे, और जो भी तकलीफ आएगी उनके जीवन में वो परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस गवाही के लिए। परमेश्वर आपको, आपकी कलीसिया को, आपकी मिनिस्ट्री को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।